राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी हनुमान बेनीवाल के गढ़ खींवसर को फतेह करने की तैयारी कर रही थी, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को यह दूसरा बड़ा झटका लगा है। संजीव डांगावास जो सांसद स्वर्गीय भंवर सिंह डांगावास के पुत्र हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद पत्रकारों के सामने भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा कि 30 वर्ष से जो है वो मेरे पिताजी बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी बीजेपी से मिला क्या है, उपेक्षा और अपमान। और उसके बाद ज्योति मिर्धा पर भी जमकर निशाना साधा, ज्योति मिर्धा के लिए कहा कि ज्योति मिर्धा तो उधार की सेनापति हैं। इस तरीके की बात संजीव डांगावास ने जो है वो ज्योति मिर्धा के लिए कही और रेवत राम के लिए कहा कि आखिर रेवत राम को मोहरा क्यों बनाया गया है। ये बात अलग है, उन्होंने मन की भड़ास निकाली। लेकिन उपचुनाव से महज कुछ ही दिन पहले जो संजीव डांगावास ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया, इतना ही नहीं उन्होंने जिला परिषद की सदस्यता जो है उसको भी छोड़ दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका है। जब रतन चौधरी को कांग्रेस से टिकट मिला था उस समय सवाई सिंह चौधरी जो हैं उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया था, और अब उपचुनाव से महज कुछ दिन पहले संजीव डांगावास ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। तो अब बीजेपी को यहां पर जो है कहीं ना कहीं बड़ा झटका जो है वो लगा है। यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला था। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पत्नी जो है कनिका बेनीवाल, वो आरएलपी से उनको टिकट मिला है, हनुमान बेनीवाल ने उनको मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से रतन चौधरी पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। उसी के बाद सवाई सिंह चौधरी ने बीजेपी जो है उसका दामन छोड़ दिया था पत्नी को टिकट मिलने के बाद। और अब जब संजीव डांगावास जो हैं सांसद स्वर्गीय भंवर सिंह डांगावास के पुत्र, उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। तो अब देखना ये होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच जहाँ बीजेपी से रेवत राम डांगा हैं और कांग्रेस से जो हैं वो रतन चौधरी हैं और आरएलपी से हनुमान बेनीवाल की पत्नी जो हैं कनिका बेनीवाल, वो मैदान में है। अब इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की यही तैयारी थी कि किसी भी तरीके से खींवसर का जो ये किला है ये हनुमान बेनीवाल के गढ़ से जाना जाता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो खींवसर की राजनीति है वो हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द घूमती है, और इसी के बीच जो है कहीं ना कहीं तैयारी बीजेपी और कांग्रेस की यही थी कि किसी भी तरीके से हनुमान बेनीवाल के गढ़ को फतेह किया जाए। अब कनिका बेनीवाल के लिए हनुमान बेनीवाल जोरों शोरों पर प्रचार प्रसार में है। कांग्रेस ने जो है रतन चौधरी को टिकट दिया है, तो रतन चौधरी का भी प्रचार प्रसार जोरों पर है। अब रेवत राम डांगा वही हैं जिनको हनुमान बेनीवाल ने खींवसर से विधानसभा उपचुनाव के अंदर महज 2500 मतों से हराया था, और हनुमान बेनीवाल खींवसर से विधायक बने थे। लेकिन आरएलपी हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी सुप्रीमो हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और लोकसभा के चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल सांसद बन गए, और सांसद बनने के बाद ही इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अब इस सीट पर उपचुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को जो है वो झटका लगा है। लेकिन झटके के बीच देखना ये होगा कि एक तरफ जहां हनुमान बेनीवाल खींवसर की जो राजनीति है वो हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द घूमती है, हनुमान बेनीवाल के गढ़ के नाम से ये जाना जाता है, तो हनुमान बेनीवाल का कहीं ना कहीं यही प्रयास है कि उनकी पत्नी जो है कनिका बेनीवाल वो इस सीट को निकालनी चाहिए। अब कांग्रेस सोच रही है कि पहले सात में से हमारी जो है चार सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का दबदबा था, दो सीटों पर जो है वो एक पर हनुमान बेनीवाल जो हैं वो विधायक थे, एक पर राजकुमार रौत विधायक थे वो भी सांसद बन गए, और एक मात्र सलूमर की जो सीट है वहां पर अमृतलाल मीणा जो हैं वो बीजेपी के विधायक थे। कुल मिलाकर सात सीटों में चार सीटों पर पहले से कांग्रेस का कब्जा था, तो कांग्रेस तो कहीं ना कहीं यही सेंधमारी में है कि कम से कम चार सीटें तो मिलनी चाहिए। अब देखिए चुनाव के अंदर बड़े नेता कहने को ये भी कह सकते हैं कि सारी सीटें हम जीत रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं चार सीटों पर कांग्रेस को नुकसान नहीं होता, इसलिए कांग्रेस ने भी खींवसर में भी पूरी जान झोंक रखी है। लेकिन बीजेपी को जो है रेवत राम डांगा ने विधानसभा चुनाव जो है बहुत कम मतों से हारा था, ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि ये चुनाव आसानी से जो है वो जीता जा सकता है। लेकिन अब दो झटके बीजेपी को यहाँ पर लगे हैं। देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल का गढ़ है क्या वो फतेह करते हैं, उनकी पत्नी, या फिर ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती है।